भाई देखो होगी अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 400 अपने सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर बाइक, बट किसी को भी इस वाले बाइक के साथ प्यार कैसे नहीं हो सकता है। क्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X। एक तो इस वाले बाइक की प्राइसिंग आपको 2,64,000 के अप्रॉक्स पड़ती है, एंड अगर आप लोग पुणे से हो तो भाई सारे सर्विस ट्रैम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ट्रैम का कोई भी गाड़ी लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट लेनी है, थैंक कॉल जरूर करना भाई फॉर द बेस्ट ऑफर एंड बेस्ट सपोर्ट। बाकी इस वाले गाड़ी की तरफ आए तो भाई मुझे सच में इस वाले बाइक के साथ मतलब एकदम प्यार हो गया, एकदम शिद्दत वाला प्यार जिसे हम बोलते हैं वो मुझे इस बाइक के साथ हो गया। ये बाइक आपको ऑफ रोडिंग में बहुत बेहतरीन काम करने वाली है। इंजन स्पीड, ड्राइविंग डायनामिक्स, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है बाइक को चलाने का ना वो एकदम अल्टीमेट है। तो अगर आप लोग मार्केट में जैसे रॉयल एनफील्ड हिमालयन की तरफ जाना चाह रहे हो, मतलब एक एडवेंचर टूर बाइक टाइप का आप देखना चाह रहे हो, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि इस वाले बाइक को भी आप एक बार चला के जरूर देखना। जब आप इस बाइक वाले बाइक को चलाओगे ना तो आपके चेहरे पे सिर्फ मुस्कान होगी और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाली, इसका मैं आपको दावा दे सकता हूँ। बाकी इस वाले गाड़ी के एकदम प्रॉपर वॉक अराउंड और रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्रंट में एकदम सेम टू सेम अपना स्पीड 400 जैसा आपको जो हेडलाइट है वो मिल जाता है कंप्लीटली एलईडी में, एंड एलईडी अपना जो अपना इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाती है। एंड फ्रंट से जो लुक निकल के आती है भाई, लुक तो बाप चीज है ही, उसके अलावा जो गाड़ी को चलाने का जो अलग ही मजा है तो वो तो मैंने आपको बताना ही इस वीडियो में। बाकी यहाँ पे आपको लुक्स वाइज में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा निराशा करने वाली चीजें नहीं है कि भाई कुछ और अच्छा हो सकती थी, तो वो एक चीज, मतलब कहीं पे भी कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह चीज का हिसाब किताब मैं आपने ये करा है ट्रैम में। एंड एक चीज है कि भाई ट्रैम जैसी बड़ी ब्रांड्स जो है वो अब जब बजट अपनी बाइक्स को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं ना, तो भाई तो चीजों को यहाँ पे बहुत ध्यान रख रही है कि एक्चुअली में इंडियन कंज्यूमर्स को क्या क्या चाहिए, एंड वो सारी चीजें आपको इस ट्रैम स्क्रैम्बलर 400X में यहाँ पर ट्रैम ने एकदम भरपूर यहाँ पे दिया, भर भर के दिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है USD फोक्स फ्रंट में, जिसमें 43mm का जो आपको USD है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। फ्रंट में जो आपको व्हील्स है वो आपको एकदम बड़ी सी जो अपनी व्हील्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, 100x19 inches का यहाँ पे आपको व्हील्स मिल जाते हैं। एंड 320mm का जो अपना डिस्क है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, एंड जो डुअल चैनल ABS है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो वो सारी एक चीज़ है। बाकी देखो डिज़ाइन आपको कैसी लग रही है भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड देखो भाई अगर इस वाले बाइक को लेकर कोई भी गलत बोला ना एकदम पर्सनल एकदम हर्ट्स हो जाएगा मुझे, तो वो एक बात है। बाकी चलो बाइक के साइड लुक से बात करते हैं। भाई साइड से भी गाड़ी आपको एकदम प्यार होने वाला है भाई, बाइक में जो ओवरऑल आपको यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही है ना, मतलब ओवरऑल जो आपको एक लुक निकल के आ रहा है, जो साइड लुक निकल के आ रही है, जो आप ओवरऑल जो एक जो पूरा कॉन्सेप्ट निकाल के लाया गया एकदम स्क्रैम्बलर वाला जो पूरा लुक है वो आपको बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। एंड ये सारे जो एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे ना भाई कंपनी से एकदम अल्टीमेट तरीके की यहाँ पे जो लुक है वो निकल के आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि भाई होगा हिमालयन 450 अपने सेगमेंट का बाप गाड़ी, बट दिस वन इज लव। बाकी उसके बाद यहाँ पे हम इंजन के बारे में बात करते हैं, तो इंजन में आपको वही सेम जो इंजन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली, जिसमें आपको 400cc की जो इंजन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, 40 bhp की पावर एंड 37.5 nm का जो टॉर्क है वो यहाँ पे आपको ये वाली इंजन निकाल के देती है। एंड इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है 6-speed ट्रांसमिशन के साथ, तो वो एक चीज़ है। बाकी अपना जो ओवरऑल जो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब चीज़ें सारी जो चीज़ें वो यहाँ पे आपको मिली जाती है। अब सीट हाइट इस वाली गाड़ी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है 835mm का, तो मेरी हाइट है 5'10" भाई, मैं भी इस वाली गाड़ी पे जब बैठा था ना तो मेरी पैर इस टाइप से थी, ऐसे थी देखो इस टाइप से, पूरा फ्लैट नहीं थी। तो अगर शॉर्ट राइडर्स के लिए ये बाइक को चलाने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, तो अगर आप इस वाले बाइक को ऐसे लेके एकदम ऑफ रोडिंग वाला पूरा हिसाब किताब अगर आप यहाँ पे करना चाह रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे शॉर्ट राइडर्स के लिए वो दिक्कत होने वाली है। बट अगर आपकी हाइट लाइक 5'8" या फिर 5'8" से अब है, तो आप बाइक को यहाँ पे बहुत आराम से आप मैनेज कर पाओगे, मतलब बैलेंस वगैरह कर पाओगे, भले ही आपकी पैर ऐसे रहे लेकिन बैलेंस आप यहाँ पे कर पाओगे। एंड ऊपर से एक और चीज़ की इस वाली गाड़ी की पावर टू वेट रेशियो, मतलब 185 kg की गाड़ी को ओवरऑल जो कव वेट है, मतलब सारे एसेसरी मतलब ये सारी चीज़ों को लगाने के बाद, तो उस हिसाब से भी आप देखोगे तो 40 bhp का जो पावर यहाँ पे इंजन निकाल करती है, तो पावर टू वेट रेशियो इस वाले बाइक का बहुत अमेजिंग तरीके से यहाँ पे निकल के आने वाली है। एंड चाहे आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग करो या हाईवे क्रूज करो या फिर ओवरऑल एडवेंचर, मतलब कुछ भी उठा के इस गाड़ी के साथ कर सकते हो भाई। ट्रैम बोला कि जाओ मैंने दे दिया आपको, जी लो अपनी जिंदगी, वो वाले हिसाब किताब है, वो एक चीज है। बाकी रियर से बात करते हैं, तो रियर में आपको एकदम प्रॉपर जो एकदम मोटे से जो बटन टायर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि भाई आप इस गाड़ी को लेकर एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर सकते हो, वहीं पर भी आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस लैक नहीं होने वाला, वो एक चीज है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे फ्रंट में आपको USD फोक्स तो मिल ही जाता है, रियर में आपको सस्पेंशन वो एकदम साइड में यहाँ पे दिया गया है, ये जगह आप चेकआउट करो। तो ये एक चीज जो कि कहीं ना कहीं इस वाले जो पूरा एक यूनिक वाली जो पूरा नेचर है ना वो यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको जो सीट से भाई बहुत ही अल्टीमेट कंफर्ट के साथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है। पिनियन के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, कोई सीट थोड़ी सी छोटी, बट राइडर को यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, तो वो एक चीज़ है। बाकी हैंडलिंग वगैरह गाड़ी में आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होने, बहुत अपराइट पोजीशन पे आप बैठते हो, आप आराम से एकदम ऐसा लगा कि यू आर रूलिंग द रोड। तो वो एक चीज़ है, अगर आप एडवेंचर पे भी जाओगे, ऑफ रोडिंग के लिए भी जाओगे, तो आपको प्रॉपर ऐसे
जो एक कन्वीनियंस आपको मिलता है ना, मतलब जो अपना हैंडल बार को लेके, वो आपको यहाँ पे कन्वीनियंट मिलने वाली है। बाकी रियर सेक्शन से हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज चेकआउट करो, डुअल बैरल जो एग्जॉस्ट नोट है भाई, एग्जॉस्ट जो है बेसिकली वो बहुत अल्टीमेट लगता है इस वाले बाइक के साथ। ओवरऑल जो डिजाइन यहाँ पे निकल के आ रही है भाई, बहुत अल्टीमेट है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है 140/80 R70 इंचेस के यहाँ पे टायर्स, फ्रंट में आपको 19 इंचेस है एंड रियर में आपको 17 इंचेस के जो टायर्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस्ड एकदम है ना, जैसे आगे 19 पीछे 17, एकदम प्रॉपर वेल्ड बैलेंस, वेल वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही वेल डिजाइन यहाँ पे रखा गया है, वो एक चीज़ है। बाकी लुक्स वगैरह तो यहाँ पे बाप चीज़ है ये भाई, कोई भी कंप्लेंस नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको वही सिग्नेचर जो टेल लाइट है अपना ट्रैम का, जो कि स्पीड 400 T400 एंड अपना स्क्रैम्बलर 400 में एकदम आपको सेम टू सेम डिजाइन के साथ आपको टेल लाइट्स मिलते हैं, जिसमें आपको टी का यहाँ पे छोटा सा लोगो है, तो एक चीज़ है। बाकी रियर से आपको ये वाली बाइक कैसी लग रही है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चलो बढ़ते हैं इसके फ्रंट सेक्शन, मतलब फ्रंट जो कॉकपिट वाला पूरे एरिया है उसमें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 13 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। माइलेज, अब आप मुझसे ये बात मत पूछना, देखो भाई माइलेज जो है वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चला रहे हो, उस हिसाब से आपको माइलेज यहाँ पे निकाल के देगी। बट अगर आप मेरी मानोगे तो आराम से ये आपको 28-30 km/h तक का जो माइलेज है वो यहाँ पे आपको क्लॉक कर सकती है। बाकी यहाँ पे आपको सेम स्पीडोमीटर कंसोल जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको सेम स्पीडोमीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आपको जो स्पीड है वो आपको एनालॉग में आएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिजिटल है, सारी अपनी जो वार्निंग लाइट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड ये जो आप बटन देख रहे हो, इससे आप इस छोटे से एमआईडी को जो अपना टॉल कर सकते हो, किलोमीटर पर लीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड बहुत सारी जो अमेजिंग जो फीचर्स है ना वो यहाँ पे आपको निकल के आने वाली है। तो कहीं पे भी फीचर में या फिर क्वालिटी में यहाँ पे आपको लैक नहीं है। बाकी कुछ इस टाइप की जो आपको चाबी है वो आपको मिलती है, हालांकि ट्राइम के सारे बाइक्स में मुझे लगता है सेम ही चाबी है, जैसे स्पीड या फिर T400 में मैंने देखा था ना, तो सारे में आपको चाबी सेम है। तो अपना जो साइड व्यू मिरर है वो आपको सेम मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टेबल लीवर्स नहीं, बट स्लिप क्लच है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप ऑफ रोडिंग वगैरह एकदम टेंशन फ्री होके आप इस बाइक को चला सकते हो। अपना अगर आप सिटी में भी चला रहे हो ना, तो आपको सिटी में भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा हैंडल बार थोड़ा चौड़ा है, तो हो सकता है कि थोड़ा कंजस्टेड जगह में आपको निकलने में थोड़ा दिक्कत हो। बाकी यहाँ पे आपको नकल गार्ड वगैरह सब कुछ है भाई, सच में इस बाइक की लुक्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से यहाँ पे निकल के आती है। बाकी आपकी ये वाली चीज़ मतलब पूरा पैड वगैरह जो यहाँ पे दिया गया है, तो जब आप इस बाइक को ऐसे बैठ के एकदम थोड़ा आप एग्रेसिवली भी चलाओगे तो आपको पूरा एकदम कॉन्फिडेंस निकल के आने वाला है। एंड एक और चीज़, इसका जो पूरा ओवरऑल जो सस्पेंशन सेटअप रखा गया ना, वो भी वेल डिजाइंड है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते हैं इंडियन रोड्स के, स्पेशली इंडियन रोड्स के हिसाब से, वो एक चीज़ है। बाकी रियर में आपको जो 230mm का जो डिस्क है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको इंजन गार्ड जो है वो भी यहाँ पर लगी हुई है कि भाई आप ऑफ रोडिंग लेके जा रहे हो, नीचे से आपको कुछ भारी पत्थर या कुछ चीज़ें आपको लग के आपके इंजन को डैमेज ना करे, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सारी चीज़ें भरने उड़ने के लिए आपको सब कुछ यहाँ पे दिया गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब चलो जल्दी से इस गाड़ी के जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आपको सुना देता हूँ। अल्टीमेट, मतलब एकदम अल्टीमेट, कहीं कोई कंप्लेंस नहीं है मुझे इस वाले बाइक को लेके। इवन जो इंजन की रिफाइनमेंट है, इंजन को स्टार्ट करने के बाद जो एक रिफाइंड साउंड है ना वो आपको मिलेगा। एंड अगर आप इस बाइक को बहुत अग्रेसिवली चला रहे हो तो आपको जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी बहुत प्यारा निकल के आना, एकदम बेसिक एग्जॉस्ट नोट आपको यहाँ पे मिलता है। एंड एक और चीज़ कि भाई प्रॉपर ऐसे स्क्रैम्बलर वाली लुक है, तो हर एक नेचर जो है उस हिसाब से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो फुट पैक्स वगैरह सब में आपको इस टाइप का दांत आपको बना हुआ है, एंड इसको भी यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ये आप देखो, यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हो कि ऑफ रोडिंग में आपको प्रॉपर जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे आपको लैक ना हो। बाकी आपको ट्रैम्प स्क्रैम 400X कैसी लगी भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। एंड शेयर कर दो ये वाली वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि स्क्रैम 400X के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा बाइक लेने के बारे में सोचे जो कि थोड़ा एडवेंचर ओरिएंटेड हो, लॉन्ग ड्राइव्स ओरिएंटेड हो, या फिर सिटी ड्राइव ओरिएंटेड हो, मतलब एक पूरा ऑलराउंडर बाइक जिन्हें चाहिए, ट्रैम्प का भरोसा चाहिए, देन दे कैन डेफिनेटली गो फॉर द स्क्रैम 400X। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना वहाँ पे डेली अपडेट डेली रील के लिए। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अच्छा मोटर वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।